सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रेरित सागर। शिक्षा विभाग का नारा है कि स्कूल चले हम, और कांग्रेस का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह नारे धरातल पर ही कहीं भी चरितार्थ होते नहीं दिख रहे हैं, जिसका खामियाजा भोले भाले मासूम स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जहां अभी भी 18वीं सदी में लोग जी रहे हैं। वह गांव है सुर्खी से 3 किलोमीटर दूर बंदर चुबा, जो कि हनोता कला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इसके विधायक हैं मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और इसके पूर्व यहां से विधायक रहे पूर्व गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, और इसी ग्राम पंचायत की सरपंच भी भूपेंद्र सिंह की बहन जी रह चुकी हैं। बावजूद इसके इन आदिवासियों के जीवन स्तर में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, और पहली कक्षा से 12वीं तक के बच्चे 3 किलोमीटर का सफर तय करके पढ़ने जाने को मजबूर हैं, जो कि घुटनों तक दलदल और पानी में धंसे हुए हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम की सूरत क्या है। नाम है आपका? आरती गौड़, आदिवासी। कहाँ की निवासी है? बनेचुआ। कहाँ पढ़ती हैं? सुर्खी। कैसे जाती हैं सुर्खी पढ़ने? कीच और नालों में से जाती हैं। पैदल जाती हूँ? हाँ। तो कितना कितना कीचड़ हो जाता है? बहुत ही ज्यादा। परेशानी होती है क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? सपना गौड़, आदिवासी, बनेचुआ। बनेचुआ में रहती हैं। पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं? सुर्खी। कैसे जाती हैं? कीचड़ में से, नाले में से। तो कोई परेशानी तो नहीं होती? होती है, बहुत होती है। कितने लोग जाते हैं पढ़ने? हम लोग 15-20 जन जाते हैं। 15-20? इतनी कितने बड़े और छोटे बच्चे कितने जाते हैं? पहली से लगा के 12वीं तक। बनरचुआ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? सुर्खी। कितनी दूर है सुर्खी आपके गांव से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। कैसे जाते हैं? पैदल। कैसे जाते हैं? कहाँ से जाते हैं? कहाँ के निवासी हैं? बनरचुआ के। तो आप लोग अभी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, किस तरीके से आप लोग निकलते हैं? कीचड़ में होवाते खब के आधे आधे पैर खब जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बारिश हो जाती है तो नरवा नाले चढ़ जाते, स्कूल नहीं आ पाते। आदिवासी क्षेत्र में अभी तक कोई भी विधायक मंत्री ने वादा किया है, पर चुनाव जीत जाते सो अपना वादा निभाते नहीं है। अच्छा, अभी कौन है? अभी गोविंद सिंह मंत्री है हमारे यहाँ के विधायक, उनने भी वादा किया था पानी करवाएंगे, रोड करवाएंगे, पर वे भी जीत गए, तो उनने भी वादा अपना निभाया नहीं।